देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लाजमी करें, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिव। बिल्कुल, तो सौद भाई when people tell you what to do, you calm down, you knock the poles over. सिक्योरिटी का मसला हल हुआ 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 हुआ। सॉफ्टवेयर अपडेट करना जिसको कहते हैं ना, वो इसे कहते हैं। वो हमारी होम टीम थी, हम हारे, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। देखो बदला ले लिया न्यूजीलैंड ने, तो सिक्योरिटी का, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस का, सेमीफाइनल का, ठीक है, आप उनके घर में जाके ट्राई सीरीज जीत कर आए, ठीक है, उन सब का बदला वो ले चुके। अब बात है फराज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं बात जो है ना फील्डिंग पे बात करूंगा। सबसे पहले कैप्टनसी बात में जो अच्छा हुआ वो सब बात में, पहले अब हार रहे ना, अब पहले हम बुरा जो किया है ना उसको ऊपर रखेंगे। फराज पहले तो एक बात बताओ, रन आउट हमने कितने मिस किए, दो रन आउट किए मैच में लेकर आए हमें, लेकिन उसके बाद भी दो चार रन आउट हमने नवाज ने मिस किया, उसके बाद रिजवान साहब सो रहे, बाबर साहब सो रहे, रिव्यू जब लेना होता है जब लेते नहीं है, और जब नहीं लेना होता जब ले लेते हैं। साउथ बॉल इतना बाहर जा रहा है तब वो रिव्यू ले रहे हैं, और जब एज निकल रहा है ग्रीन फिलिप्स का एक चौका मारने के बाद ही एज निकल गया था तीसरी बॉल पे एज निकल गया था, आपने रिव्यू नहीं लिया, उस बंदे ने ऐसी दुर्गत बनाई है। बात करूंगा मैं, रिजवान की गलती है, रिजवान ने कैच पकड़ा, क्यों नहीं रिव्यू लिया। तो देखो ना उतना सो रहे, आप सरफराज अहमद को बोल रहे थे ना, चलो सरफराज अहमद 4 साल बाद आए, नहीं पता लगा उनको, रिजवान तो मुसलसल खड़े होते, वो तो एज लग गई भी ना, वो अपील करते, उस पर अपील क्यों नहीं करी, अपील की तो फिर रिव्यू की तरफ क्यों नहीं गए, क्यों कॉन्फिडेंस अपील नहीं करी। बिल्कुल आपने कॉन्फिडेंस अपील नहीं करी, इंपायर तो मैं कहता हूँ इंपायरिंग नाला घटिया इंपायरिंग कर रहे। अब फराज बात पता क्या, डेविड कॉनवे की भी बात करूंगा, जो डेविड कॉनवे जो है फराज, उन्होंने भी LBW आउट हो गए थे चौथी या पांचवी बॉल पे ही, बाबर आजम ने रिव्यू नहीं लिया, क्लियर आउट था एम्पायर पे नालत। बिल्कुल साउथ, हम ग्राउंड में बैठ के मैच देख कर आ रहे हैं, अभी हमने मैच में ऑब्जर्व किया रिजवान की कीपरिंग कितनी घटिया कीपरिंग, और उसके ऊपर पाकिस्तान की सिलेक्शन, जो पाकिस्तान ने सिलेक्शन की नसीम शाह को ड्रॉप करके हसनैन को खिला दिया, राइट आर्म भट्टा बॉलर, उसका ना कोई पेस है, सिर्फ उस पेस ने क्या आगे बोला है, नसीम जब फुल फिट नहीं थे, अबे भाई नहीं थे, कौन बोल रहा है, पूरे फिट थे यार, आपने उनको खिलाया नहीं सिर्फ हसनैन की वजह से, यार हसनैन का रिकॉर्ड निकाल के दिखा दो, किस उस पे किस बेस पे टीम में हो यार। अगर आपने साउथ, अगर हसनैन का कोई ऐसा मैच दिखाओ जिसमें उसने वाइट ना करी हो, आप मैच उठा के दिखाओ, मैच को छोड़ो, मैं ओवर बोलता हूं, कोई ऐसा ओवर हो जिसमें वाइट ना की हो यार, इंतहाई घटिया किस्म का बॉलर है साउथ में, पहले वाइट पे चौका दे रहे, रिजवान साहब छोड़ ले, एज लग रहा है, फिर एट पे रिजवान ने छोड़ दिया, रिजवान की कीपरिंग नहीं हो रही रिजवान से आज। साउथ लाला पे मैं बात करता हूँ यार, आप चीफ सिलेक्टर हो, आपको एक्सप्लेनेशन देने का नहीं बोला कि आप बताओ कि वो इंजर्ड है, ये इंजर्ड है, आपने टीम मैनेजमेंट रखी हुई है। अगर किसी फील्डर का, कोई खिलाड़ी का इंजरी का मसला होगा ना, तो आप जवाब दे नहीं हो। कप्तान जवाब देगा और मैनेजमेंट जवाब देगी, आप किस हैसियत से मीडिया पे आके जवाब दे रहे हो कि वो इंजर्ड है। ये लॉलीपॉप नहीं दो, नसीम शाह कोई इंजर्ड नहीं था, बस उसे ड्रॉप किया गया मैच से, इतने इंपॉर्टेंट मैच से आपने उसको ड्रॉप किया, और खिलाया किसको, हसनैन को। आप धानी को तो खिलाते, क्यों नहीं है धानी, क्यों आपने नसीम शाह को बिठाया, आज नसीम शाह होता कुछ और बात होती। बिल्कुल विकेट टेकर है, पहले ओवर में विकेट लेके जा रहे थे, दोनों मैच में पहले ओवर में लेके गए वो, क्यों नहीं है आज? आपके बॉलर से विकेट नहीं ली, वो जो रन आउट किए तो रन आउट पे थोड़ा बहुत मैच में रन आउट पे आए हो आप, वरना केन विलियमसन कहीं से लग रहा था कि वो आउट होंगे, नहीं होंगे बिल्कुल, इतना कंफर्टेबल होके वो खेल रहे थे स्टेडियम में। केन विलियमसन जब बैटिंग कर रहे थे ना, तो सब जो फैंस बैठे हुए थे वो उम्मीद हार चुके थे कि हम जीतने हार चुके थे। सब बाबर आजम की कप्तानी भी बात करनी बनती है, क्या कप्तानी कर रहे हैं, हारिस रॉफ को ना जाने किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, और हारिस रॉफ मुसलसल रन देते बारे में पिछली वीडियोस में भी फिकर का अलमिया दिखा रहा था कि हारिस रॉफ, शदाब खान की प्रोडक्शन कहां गई, 3 विकेट लेंगे कहां करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस देते जो बात है वो, शदाब क्या गलती है। शदाब खान ने कल ट्वीट किया था कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि हारिस रॉफ कल 3 विकेट लेने जा रहे हैं, एक विकेट तो बहुत दूर की बात, रन भी नहीं बचाया, इतना दुम्बा बना के मारा हारिस रॉफ को, लग ही नहीं रहा था कि वो जब जब वो आए उनके पहले ओवर पे, और पहले ओवर बोला शुरू के 2 ओवर उन्होंने 3 ओवर आउट क्लास कराया, उसके बाद जब जब वो आए पहली बॉल फेंकी उन्होंने ओवर की 4 और 6 से शुरुआत की है। साउथ
इमामुल हक को किस उससे बिठाया? अच्छा इमामुल हक जो बड़े मैच में खेल कर देते हैं आपको, जैसे हम फकर की बात करते हैं बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, ठीक है इसी तरह इमामुल हक भी खेल के देते, दो मैच में फेल हो गए थे वो तीसरे मैच में आपको करके देते। भाई ये चेंजिंग आप जब करते कि पाकिस्तान ने वो बोला ही, ये पाकिस्तान जब ये 2-0 से मैच सीरीज अपने नाम कर चुका होता जब आप करते समझ आता, उससे पहले क्यों करा आपने, क्यों आपने फाइनल में आके इतनी दो ब्लंडर मारे आपने, शान मकसूद को किस उस पे डाला आपने, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उस बंदे की। सऊद वाइस कप्तान थे और कप्तानी वाइस कप्तानी कौन कर रहे थे, शान मसूद को बाबर आजम ने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दी, बाउंड्री पे खड़े हुए थे, बाउंड्री पे खड़े हुए थे, एक भी बार जो कप्तान मशवरा करता है ना अपने वाइस कप्तान से, बाबर आजम ने वो नहीं किया। तो देखने वाली बात है कि आपने शान मसूद को वाइस कप्तान बना के उनके साथ ज्यादती कर, जब ड्रिंक ब्रेक हो रहा था तो शान मकसूद अलग खड़े हुए थे, अलग खड़े ना के टीम के साथ थे, अलग खड़े हुए थे ड्रिंक ब्रेक में, अलग बाउंड्री में सबसे अलग खड़े थे, कोई जब कुछ अच्छा भी हो रहा था वो तालियां वहीं से बजा रहे थे, भाग के नहीं जा रहे थे, आउट हो रहा था जब भी वो आराम आराम से जा रहे थे, मतलब कुछ नजर ही नहीं आया कि उस बंदे को इतना आपने कर दिया है, इतना कर दिया है कि वो क्या करे। साउथ दो ड्रिंक्स ब्रेक हुए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में, एक दफा वो बाउंड्री भी खड़े रहे, ठीक है जब करीब गए तो प्लेयर्स की गेजिंग से दूर थे, और दूसरे ड्रिंक ब्रेक में वो डायरेक्ट ड्रेसिंग रूम में भागे, ड्रेसिंग रूम में गए, प्लेयर्स के साथ ड्रिंक्स इंजॉय नहीं किया, वो डायरेक्ट ड्रेसिंग रूम की तरफ गए। तो आपने उनको वाइस कप्तान बना के उनके साथ ज्यादती कर दी, वाइस कैप्टन बना हुआ है आपका, आपने बाउंड्री पे खड़ा, बाउंड्री पे खड़ा हुआ है और रिजवान से बाबर आजम मशवरे कर रहे हैं, तो भाई प्रैक्टिकली तो रिजवान ही वाइस कप्तान थे। अबे जो इस मैच में कॉज किया है रिजवान की पथरी कीपरिंग, बाबर आजम के डिसीजन, देखिये बाबर आजम कप्तान है सऊद, अगर आपको रिव्यू लेना है ना तो अगर आपका कीपर मुतमइन नहीं है तो आप बॉलर की सुनो, आप बॉलर की तब सुन रहे हो जब नवाज ने आपसे जबरदस्ती करवाया और वो बॉल 3-4 इंच बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आपके ग्रीन फिल्म्स जो है वो इतनी शॉर्ट पिच बॉलों पे बांध रहे मार रहे और आप वहीं दे रहे हो, आपने लेग पे फील्डर नहीं लिया हुआ, आप इतनी बार बार उनको बोले दे रहे हो, आप यार कैसी फील्डिंग खड़ी करते हो, वहां हम देख रहे थे फरस क्या बात कर रहे सिंगल बन रहे हैं, इजी सिंगल तो बन रहे, मैंने क्या बोला था ये पीछे देंगे ये छक्का मारेंगे या चौका, लेग पे फील्डर ही नहीं आपका, वाकई उन्होंने 4 छक्के आउट क्लास मारे, एक दफा ऐसा नहीं लगा कि फील्डर हाथ मार के पकड़ ले, 101 मीटर का भी मारा है और 101 मीटर का छक्का मारा वो हमारे क्लोजर के करीब आके गिरा था। पर अगर हम बात करें यहाँ पे नाइंसाफी हो जाएगी फखर जमान के साथ, क्योंकि जब पाकिस्तान हारता है ना तो ऐसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस दब जाती है। दो बंदे की मैं बात करूंगा तारीफ, यहाँ पे रिजवान ने रन किए फराज, लेकिन उनकी कीपरिंग ने उनके रन दबा दिए, मैं समझता हूं। यहाँ पे फखर जमान के बाद में जो तारीफ करूंगा सलमान अली आगा की, उसने विकेट में लेके आपको मैच में लेकर आया, रन उसने क्रूशियल बनाया जो आपको 180 तक लेके गया। साउथ बाबर आजम की बैटिंग पे बात करते हैं यार, क्या कर रहे हैं बैटिंग में, तीनों मैचों में 3 दफा स्टंप आउट हुए, स्टंप, तो आप सोचो आप ऐसी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है अगर आप इस तरीके से आउट हो गए और बिल्कुल अनप्रोफेशनलिज्म दिखाओगे। बाय द वे साउथ की आंखें बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से खराब है, खराब हो गई है साउथ की, साउथ के हौसले को दाद देनी बनती है, पर क्योंकि हमने अपने फैन से वादा किया है कि क्रिकेट की हर अपडेट देंगे बिल्कुल, पर साउथ बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुए और पार्ट टाइमर बॉलर ने आउट करा है, ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है बाबर आजम के लिए। पार्ट टाइमर नहीं थे वो, माइकल ब्रेसवेल थे आज, जी आज, आज माइकल ब्रेसवेल थे, ठीक है ठीक है, फिर मुझे याद आ रहा था कि डेरिल मिचेल नहीं, नहीं, नहीं। बरल साउथ पाकिस्तान को जो कॉज किया है आप, ये बात तो हकीकत है कैचेस विन मैचेस, अगर आपका कप्तान में अग्रेशन नहीं है तो आप किसी भी टीम से फाइट नहीं कर सकते। बाबर आजम ने भी एक कैच छोड़ा है फरस, एक कैच थोड़े से और हिम्मत करते ना कैच हो जाता वो। साउथ अगर आज हम बात करें दो रिव्यू, एक बाबर रिजवान की कॉल जो उन्होंने अपील ली गई, 3 एक बाबर आजम का कैच छोड़ना, 4 एक नवाज का रन आउट, ये 5 चांसेस अगर आप वनडे मैच में मिस करोगे। और सबसे बड़ा ब्लंडर हसनैन की जगह नसीम क्यों नहीं था, नसीम क्यों नहीं था, अगर चले नसीम इंजर्ड भी था मान लेते हैं लाला की बात, धानी को डालते हैं, धानी को डालते हैं ना आप, नसीम हसनैन की क्या परफॉर्मेंसेस है यार, कुछ नहीं है, आपने स्क्वाड में रखा हुआ क्यों है यार, स्क्वाड में नहीं है, आप ये देखो कि सामने वाली टीम 3 स्पिनर खिला रही है और हमारे पास 3रा स्पिनर ही नहीं है, आपकी बेंच पे ही नहीं कोई, बेंच पे स्पिनर ही, तो आप कहां से खिलाओगे, आपको मजबूरी में 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ रहे हैं, मेहमान टीम आगे 3 स्पिनर खिला रही है वनडे में आपको,
देखो अगर हारिस सोहेल अगर इंजर्ड नहीं होते तो आज मैं यही सोच रहा था कि इनसे बाबर आजम को दो चार ओवर फेंकवाना चाहिए, क्या पता वो विकेट ले जाते। बिल्कुल बिल्कुल, पर पाकिस्तान का बैट लगी हुआ आज सामा मीर को मार पड़ गई, मार पड़ गई, लेकिन ये कुछ करेगा आगे जाके फराज, ये बता दूं मैं। चलो वो तो करेगा, पर साउथ स्टेडियम में बैठ के मुझे कह रहा था कि आज ये पांच विकेट लेगा। हम अपने होम ग्राउंड में कंसेक्यूटिव थ्री सीरीज हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से हम टेस्ट टी ट्वेंटी हारे, इंग्लैंड से हम T20 टेस्ट हारे, बिल्कुल न्यूजीलैंड से हम टेस्ट जो है हारने के बराबर ही होता है अगर आप अपने होम ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट ड्रॉ करवाओ तो, वहां पे चलो ड्रॉ हुआ, न्यूजीलैंड से हम सीरीज हारे, आप तीन बड़ी टीमों से तो अपने होम ग्राउंड में सीरीज हार गए, हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप उनके मुल्क में जाके मार के आओगे। बस ये तो हम पाकिस्तानी आखिरी बॉल तक के फैंस इस उम्मीद में थे कि शायद कोई हैट्रिक कर ले, जब छोटी आउट हुआ था फैंस क्या बोल रहे थे, हैट्रिक 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 हैट्रिक, तो जब होती ना भाई वो आखिरी बॉल थी उसकी, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन फिल्म से आपके आते स्ट्राइक पे वो मार के खत्म कर देते। हाँ, साउथ आज जो स्पेशल बात मुझे लगी ना स्टेडियम में, वो जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, इतनी लेट नाइट मैच खत्म हुआ और बच्चे लास्ट मोमेंट तक के बैठ के मैच देख रहे थे, ये अच्छी बात है। और स्टेडियम में नारे लग गए थे, सिक्योरिटी का मसला हल हुआ 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 हुआ, टाइट हो गई हमारी सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी सही वाली सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया हमारा। चले हम आपसे चाहेंगे जात क्रिकेट सिक्योरिटी तक को लाइक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जैसे वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह।